बिग मार्केट वॉइसेस में आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर महेश पाटिल हैं, उनसे बात करते हैं। इस समय ये 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स मैनेज करते हैं। महेश जी, गुड मॉर्निंग। पिछले गुड मॉर्निंग दस दस बारह दिन से एक चीज़ जो डिस्कस हो रही थी कि काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप में एग्जूबरेंस है। सेबी के भी एक डायरेक्टिव टाइप आया था, कुछ एमपी ने भी एक डायरेक्टिव लिया था। क्या क्या व्यू बन रहा है अब आपका मिड और स्मॉल कैप्स में? या सो आई मीन मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर में हमने देखा है कि हमें लास्ट लास्ट ईयर में काफी बड़ी रन आई थी और अभी भी काफी मिड एंड स्मॉल कैप में ओवरऑल रिटर्न जो है काफी बेहतर है। सो एक तो ये कैटेगरी में म्यूचुअल फंड में अगर देखेंगे तो जो इनफ्लोज आ रहे हैं उसमें भारी मात्रा में इन्फ्लोज मिड कैप स्मॉल कैप और लार्जर मिड कैप फंड में आ रहे हैं। इसके कारण भी एक है कि लिक्विडिटी की वजह से स्टॉक प्राइसेस काफी ऊपर आए हैं और रिलेटिवली अगर देखते हैं तो वैल्यूएशन के लार्ज एंड मिड कैप्स के स्टॉक्स के कंपेयर टू सॉरी मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर की तरफ दिख रहा है। और हमने देखा था कि लास्ट 2 साल में जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो रिटर्न्स आए थे वो 50% रिटर्न अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से आए थे और 50% जो रिटर्न कंट्रीब्यूशन है वो पी रेटिंग की वजह से हुआ है। उसके मुकाबले अगर हम देखते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स में जो लास्ट 2 साल में रिटर्न आए हैं लार्ज कैप इंडेक्स में वो लगभग अर्निंग्स ग्रोथ के आसपास ही है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी मिड एंड स्मॉल कैप में लिक्विडिटी की वजह से और ज्यादा बाइंग के हिसाब से जो मूव आई है वहां से थोड़ा सा कॉशियस रखना चाहिए और लार्ज कैप जो स्टॉक्स है और लार्ज कैप फंड्स है वहां पे हमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेहतर दिख रहा है ये टाइम में। हालांकि मिड एंड स्मॉल कैप में काफी कंपनी स्पेसिफिक देखना चाहिए, वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी अच्छी है बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप जो सेक्टर है उनका ज्यादातर फोकस जो कंपनीज है डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर रहता है और डोमेस्टिक मार्केट जैसे डोमेस्टिक इकोनॉमी जैसे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ग्रोथ काफी अच्छी है, जीडीपी नंबर जो भी आए थे वो काफी बेहतर थे तो वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ बेहतर रहने की अपेक्षा है। बट नियर टर्म में थोड़ा कॉशन हमें दिख रहा है और थोड़ा सा रुझाव आपका लार्ज कैप में आपका रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके महेश जी, चलिए अब तो ये आपने मिड कैप स्मॉल कैप पर जो टिप्पणियाँ पिछले कुछ सेशंस में हुई उस पर आपने अपनी वक्त अपने अपनी राय रखी। आज स्क्रीन पे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव बहुत अच्छे जो हैं उसमें ऑटो, हालांकि उसमें घटना ऐसी हुई है टाटा मोटर्स का डीमर्जर प्लान, लेकिन इस स्पेस ने बहुत अच्छा मूव दिया है। पहले टू व्हीलर स्पेस ने, अब आप पूरे एंटायर को देखिए, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो M&M हो, चाहे वो बजाज ऑटो हो, चाहे मारुति हो, अभी ऑटो पर आपकी राय क्या बन रही है सर इस वक्त, और स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में यहां से अच्छे स्विंग मिल सकते हैं हायर साइड पे? सो ऑटो सेक्टर अगेन काफी अच्छा किया है। लास्ट ईयर हम लोगों ने 3 महीने पहले ऑटो फंड ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स फंड लॉन्च किया था तो उसमें काफी बेहतर रिटर्न आए थे। हमें लग रहा था कि ऑटो सेक्टर कोविड के बाद के जो रिकवरी हो रही थी वहाँ पे अभी भी कुछ कुछ सेक्टर्स में से टू व्हीलर्स में जो कोविड के पहले जो टॉप बनाए थे वॉल्यूम्स वो अभी पार हो रहे हैं तो ये सेक्टर में मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से हमें लग रहा है कि ग्रोथ काफी अच्छी है यहाँ पे। लेकिन 3 सेगमेंट्स, एक तो कमर्शियल व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स में लग रहा है कि वहाँ पे अभी जो ग्रोथ है वो थोड़ी अभी पीक आउट हो रही है और थोड़े नंबर्स उसमें स्लो डाउन हमें दिख रहा है। पैसेंजर व्हीकल्स में लास्ट ईयर काफी अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ थी और आगे जाके हमें देख रहे हैं कि अराउंड 7-8% वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है। और टू व्हीलर सेक्टर में बिकॉज लास्ट ईयर रिकवरी थोड़ी स्लो थी और बेस इफेक्ट बेस कम था इसलिए वहाँ पे ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही है और वहाँ पे एटलीस्ट मीडियम टर्म में इन टू व्हीलर्स में वॉल्यूम ग्रोथ ऑटो सेक्टर में सबसे अच्छी रहेगी। और आगे हमें देखा है कि मार्जिन इम्प्रूवमेंट काफी कंपनीज में दिखा है, स्पेशली फोर व्हीलर्स में जो भी रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे आए हैं, स्टील के भाव नीचे आ गए हैं तो उसके कारण एक मार्जिन इम्प्रूवमेंट के कारण जो ओवरऑल अर्निंग ग्रोथ है वो टॉप लाइन ग्रोथ से काफी बेहतर है।
और एक ट्रेंड हमें दिख रही थी ऑटो सेक्टर में कि काफी प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, राइट। सो जो नई कारें दिख रही हैं वहां पे आप देखोगे कि ज्यादातर एसयूवी मॉडल्स हैं, काफी कारों में आपको देखेंगे तो प्रीमियम फीचर्स हैं, सनरूफ है, तो इसके कारण जो वैल्यू पर कार है तो वो उसमें काफी बढ़ोतरी हो रही है। इसके कारण हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ भी सिंगल डिजिट पे है बट टॉप लाइन ग्रोथ आपको अच्छी दिख रही है। सो हालांकि ये सेक्टर काफी अच्छा की है और वैल्यूएशन अभी कुछ इतने सस्ते है नहीं, बट वहां पे आउटलुक अभी भी स्पेशली टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स में हमें अच्छा लग रहा अच्छा, आज आईटी पे एक डाउनग्रेड आया और आईटी ने पिछले एक दो हफ्ते से थोड़ा अंडर परफॉर्म करना शुरू किया है। आप इस डिप पे बाय करेंगे क्या आईटी स्टॉक्स? है। आईटी स्टॉक्स में अभी भी यूएस में जो ग्रोथ का जो कंसर्न है वहां पे भी क्लैरिटी है नहीं। कभी लग रहा है कि यूएस में अभी रेट कट आएंगे, कभी लग रहा है कि रेट कट थोड़े डिले होंगे, और जो कमेंट्री आ रही है आईटी कंपनीज की यूएसए वहां पे थोड़ी कॉशियस भी है, बट ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ से अभी जो नेक्स्ट एक दो क्वार्टर है वहां पे शायद ये सेक्टर बॉटम आउट हो सकता है। और अगर हम थोड़ी लंबी सोच ले, नेक्स्ट 2 to 3 years का व्यू अगर लेंगे तो आईटी सेक्टर में हमें लग रहा है कि जो आईटी स्पेंड है ओवरऑल कि वो ज्यादा कम नहीं होगी, बिकॉज काफी कंपनीज डिजिटल की तरफ जो ट्रांजिशन कर रही है वहां पे जर्नी अभी भी पूरी हुई नहीं है, उसको और 3 4 साल लगेंगे। और एआई की वजह से इनिशियली लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जो कैचअप किया है लास्ट 1 साल में, तो उसके कारण लॉन्ग टर्म में स्पेंड और आईटी इंप्रूव होंगे। हालांकि शॉर्ट टर्म में डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो है कंपनीज के वो थोड़ी कम है, तो हमें लग रहा है कि ये सेक्टर में 3 3 साल के व्यू से अगर लेते हैं तो अगले 3 6 महीने में जो वीकनेस है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेंगी टू अक्यूमुलेट। हालांकि वैल्यूएशंस जो लार्ज कैप कंपनीज के और मिड कैप कंपनीज के हैं वो लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा बेहतर है, बट ये सेक्टर में कैश फ्लो जनरेशन काफी अच्छी है और डिविडेंड यील्ड भी कुछ कंपनीज में काफी अच्छे है, तो एक स्टेबिलिटी देती है। और आई थिंक ये वीकनेस में अगर प्राइसेस करेक्ट होती है तो हमें लग रहा है कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। अच्छा सर, आपका एग्जैक्टली कमोडिटीज़ पे, आई मीन हमने मेटल इंडेक्स को देखा कल, इसने मेटल इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। कुछ हाउसेस हाउस व्यूज में थोड़ा सा कॉशन भी आया कि भाई मेटल्स में यहाँ पे प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करने का कैश में टाइम है, और कमोडिटीज़ में एक धड़ा केमिकल्स है जो कि आज स्क्रीन पर बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दे रहा है। कमोडिटीज़ पर आपका टेक और केमिकल्स या फिर मेटल्स, दोनों में से प्रेफर्ड क्या है? मेटल्स जो कि ऑल टाइम हाई पे है और केमिकल्स जो कि ऑलमोस्ट लगभग पिछले 2 साल के सबसे निचले स्तरों पे ट्रेड कर रहा है सर। सो कमोडिटीज में मेटल्स पे हमारा व्यू न्यूट्रलिश है, ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है बट पॉजिटिव भी नहीं है, बिकॉज जैसे मेटल्स के लिए जो डिमांड है, एक तो चाइना के सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वहां पे इकोनॉमी काफी स्लो जा रही है और स्ट्रगल कर रही है एक तरह से, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो हमें नहीं लग रहा है कि डिमांड साइड से कुछ बड़ी पुल होगी जिससे कि मेटल प्राइस ऊपर जाएंगे और कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। हालांकि डोमेस्टिक इंडियन जो मेटल कंपनीज है वो उनकी उनमें ठीक ठाक ग्रोथ है, प्राइसिंग की वजह से ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा हमें कि मेटल प्राइस ऊपर जा सकते हैं। सो इस सेक्टर में ज्यादा हमें अपसाइड नहीं है और इतना हम उस पर बुलिश है नहीं। उसके अलावा अगर प्राइमरी केमिकल सेक्टर देखें तो वो एक सेक्टर है जहाँ पे जैसे हमने सही बात की कि लास्ट 1 साल में सेक्टर परफॉर्म नहीं किया है, वहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन भी हुई थी बिकॉज केमिकल सेक्टर में काफी इन्वेंट्री बिल्डअप हुई थी एग्रोकेमिकल्स में और पेट्रोकेमिकल्स में, और उसके कारण इन्वेंट्री रन डाउन हो रही थी और चाइना से भी वापस प्रोडक्शन चालू हुआ था। बट तो केमिकल्स में मेरा लगा कि स्पेशलिटी केमिकल कमोडिटी केमिकल में शायद प्रेशर अभी भी रहेगा, बट स्पेशलिटी केमिकल्स में एक दो क्वार्टर में आती जो करेक्शन होगी इन्वेंट्री करेक्शन, उसके बाद वापस हमें ग्रोथ दिखनी चाहिए। और ये सेक्टर आई थिंक सही सेक्टर रहेगा, अभी स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म किए हैं, अर्निंग्स भी डाउनग्रेड उसमें हुए हैं, तो ये सेक्टर में ध्यान रखना चाहिए बिकॉज लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी जो है स्पेशलिटी केमिकल्स, जहाँ पे इंडियन कंपनीज ग्लोबल मार्केट शेयर लेने की संभावना है, तो
और काफी कैपेक्स हुआ है सेक्टर में, कंपनी ने काफी इन्वेस्टमेंट की है, तो उसका बेनिफिट अगले 2-3-4 साल में वॉल्यूम ग्रोथ में आ सकते हैं. तो आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स ये वीकनेस में आई थिंक गुड टू अक्यूमुलेट से फ्रॉम अ 3-year पर्सपेक्टिव. ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ बात करने के लिए.